हम मैप के जरिए जरा लोगों को समझा भी देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विवाद है जिसके बारे में बहुत अधिक लोग और बहुत गहराई से जानते नहीं है। तो जो नक्शा है, जो मानचित्र है इस क्षेत्र का, उसके जरिए हम समझाते हैं कि किस तरीके से रूस की जो सीमा लगती है यूक्रेन से, और उसमें पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा जहां पर जो रेबल्स हैं उन्हें समर्थन के तौर पर, लेकिन सीधा निशाना कहां यूक्रेन पर आ जाता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए वो मैप हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन जनरल हसनैन, अगर हम सीधे तौर पर यूक्रेन और रूस की बात कर लेते हैं तो मुकाबला ही नहीं है। अगर रूस चाहता है कि वाकई वो युद्ध छेड़े और वो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होगा तो उसका निष्कर्ष सब जानते हैं। हो सकता है कि उनके सैनिक मार्च करें और वहीं पर युद्ध का नतीजा निकल जाए। जिस तरह से रूस आगे बढ़ रहा है, आशंकाएं कितनी बड़ी है इस समय कि दुनिया दो धड़ों में बटी। देखिए, ये आजकल का जमाना वो कन्वेंशनल लड़ाई का जमाना नहीं है। बेशक रूस ने 1956 में हंगरी के ऊपर इसी तरह से वार किया था, 1968 में चेकोस्लोवाकिया के ऊपर इसी तरह से वार किया, वो किसी ने रेजिस्ट नहीं किया, तो वो जमाना दूसरा था। आजकल का जमाना अलग है, और यूक्रेन एक 48 मिलियन का देश है, उसके लिए ऑलरेडी पहले ही उदाहरण है, जैसे इराक में हुआ, आपने देखा अमेरिका के साथ क्या हुआ इराक में, 2003 में इराक में घुसे, 2011 तक पछाड़ नहीं सके इराक को, वो कंट्रोल नहीं कर सके। अगर हम समझते हैं कि रूस जो है वो यूक्रेन के अंदर, कीव के अंदर, डोनबास के अंदर चढ़कर और 7 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर अपने आप को विक्टोरियस समझेगा, मैं समझता हूँ ये मिलिटरली सरासर गलत होगा ये सोच, क्योंकि आजकल की लड़ाई जो है वो ज्यादातर हाइब्रिड लड़ाई है। और आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी इतनी आवाजें उठ रही हैं यूक्रेन के अंदर ट्रेनिंग हो रही है, स्टूडेंट्स जो है वो बातचीत कर रहे हैं, सिटीजंस बातचीत कर रहे हैं, तो रूस के लिए इतना आसान नहीं होगा। ये स्थिति जो है ये रूस बना रहा है कि इसलिए क्योंकि वो जो हर एक्शन कर रहा है वो आप समझिए स्क्रू ड्राइवर का एक और घुमाव है, वो कोअर्शन है, वो एक मैसेज आ रहा है यूरोप को और अमेरिका को। और जो एम्बेसडर केसिंग साहब ने अभी समझा बहुत ही बढ़िया तरीके से कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब एक साथ हो चुके हैं, खासतौर पर एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कि ये $11 बिलियन की जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो आर्टरी बननी थी, पाइपलाइन बननी थी, बन रही है, उसके लिए सहमत नहीं रहेगा जर्मनी, ये बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी रूस को। तो मैं समझता हूँ नॉन मिलिट्री तरीकों से और साथ में एक पीपल्स रैलिंग टुगेदर, उससे जो है यूक्रेन के अंदर जो होगा वो एक मैसेज होना चाहिए रूस को के लिए कि वो ये लड़ाई जो है इतनी आसानी से हंगरी या चेकोस्लोवाकिया के ऊपर जैसे वो हावी हुए थे वो नहीं हो पाएगी इस दफे। मगर बेशक स्थिति इसी तरह से बनी रहेगी, दोनों एक दूसरे के तरफ जो है स्टेयर करते रहेंगे, दोनों तरफ देखते रहेंगे, आंखें बनाते रहेंगे, देखेंगे कौन किसकी जो है पलक जो है वो पहले